फ्रेंड्स मैच सस्ते हैं दिविधि आज हम करेंगे, मैं सोच रही हूँ आज आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बताऊँ, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आज हम करेंगे। ओके, तो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। देखिए प्रोबेबिलिटी, जब हम किसी चीज़ का डाउट में कोई चीज़ रहती है या हम किसी चीज़ का अज्यूम करते हैं, मीन्स एक डाउट कि हाँ आज बारिश हो सकती है, इट विल प्रोबेबली रेन टूडे, मीन्स आज बारिश हो सकती है। इसमें हमें श्योर नहीं होते, हम जब किसी चीज़ में श्योर नहीं होते, किसी चीज़ का डाउट होता है, उसको हम एक तरह से उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ओके, द वर्ड प्रोबेबली, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस एट्सेट्रा यूज इन द स्टेटमेंट। जब ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो हम उन केसेस में क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी। ओके, लाइक दिस, सपोज मैंने कहा कि एक कॉइन ओके, ये कॉइन है, एक कॉइन को हमें टॉस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? टॉस। अगर इसको टॉस किया जा रहा है, एक कॉइन टॉस्ड, वन कॉइन टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया, तो इसमें ये क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मींस इसमें क्या चीज़ हो सकता है। अब ये बताइए, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल्स। एक कॉइन में हेड और टेल होता है, हेड होता है आपका और एक क्या होता है, टेल होता है। तो अगर हमसे पूछी जाए हेड की प्रोबेबिलिटी बताइए, एक क्वेश्चन में हेड के आने के क्या क्या चांसेस हैं, हेड कैसे कितने उसमें आ सकता है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है हमारी नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मीन्स जिस चीज़ की हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, सपोज हेड, तो ये कितनी बार आ रहा है वो यहाँ पे आएगा, नीचे उसके साथ और बाकी सब उसकी क्या आउटकम्स, मतलब क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं उसकी, वो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाता है। सब मतलब सपोज ये कॉइन टॉस किया जी गए, तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड या तो टेल, मतलब आउटकम्स कितने हुए टू, एक हेड और दूसरा टेल, तो नंबर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए स्टूडेंट्स, टू। अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी किसकी गई है, हेड की, किसकी पूछी गई है, हेड की, तो हेड कितनी बार आ सकता है, अगर एक कॉइन एक बार उछाला जाए तो एक ही बार तो हेड आ सकता है, तो वो कितना नंबर ऑफ आउटकम्स, आउटकम कितना होगा, वन, तो वन अपॉन टू किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, हेड की। इसी तरीके से टेल्स की ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ओके, अब देखिए मैं एक एग्जांपल इससे बता देती हूँ कैसे किया जाता है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, इसमें लाइक अ कॉइन टॉस्ड 100 times, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, अ कॉइन टॉस्ड थाउजेंड टाइम्स विद द फ्रिक्वेंसीज हेड। हेड कितनी बार आया इसमें, 455 times। फ्रिक्वेंसीज दी हुई है, फ्रिक्वेंसीज मीन्स कि हेड कितनी बार आया हमारा, 455 times हेड आया, और टेल आया है हमारा एक, टेल कितनी बार आया, 545 times आया है, राइट। कॉइन को कितनी टाइम्स टॉस किया, थाउजेंड टाइम्स। ओके, थाउजेंड टाइम टॉस किया गया, और क्या बोला है, हेड जिसमें से आया है 455 times और टेल आया है 545 times। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच, अगर हमसे बोला गया कि हेड की प्रोबेबिलिटी बताइए और टेल की प्रोबेबिलिटी, तो इट्स वेरी इजी। प्रोबेबिलिटी मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या होता है प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मींस अब देखिए आउटकम्स, हेड आउटकम्स मींस कितनी बार वो चीज़ आई, हेड कितनी बार आया, 455 times, और टेल कितनी बार आया, इतनी बार, तो हम सिंपल हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लेंगे, हेड, क्योंकि हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, हेड की, एच ले सकते हैं आप, हेड की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आ गई, नंबर ऑफ आउटकम्स, तो नंबर ऑफ आउटकम्स आपका कितना है स्टूडेंट,
कितना स्टूडेंट है नंबर ऑफ ऑप्शन 455. तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा 455. अब देखिए नीचे क्या आएगा, क्या बोला मैंने, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. देखिए आउटकम्स क्या है, या तो हेड या तो टेल. तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 1000. कितने होंगे 1000, क्योंकि 455 प्लस 545 इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल, या तो ये लिख दो या दोनों से सेम आएगा. 5 5 10, एक कैरी 5 5 10, एक कैरी 6 4 10, आ गया 1000. क्योंकि 1000 टाइम टॉस करेंगे तो ऐसा थोड़ी कि एक बार टॉस किया तो हेड और टेल दोनों आ जाए, नहीं ना, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा. तो यहाँ भी हमें पॉसिबिलिटी ये दी है कि इतनी बार हेड आया और इतनी बार टेल आया, तो हेड की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी. इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर दीजिए, वो हमारी क्या हो जाएगी, हेड की प्रोबेबिलिटी. 5 से कट कर सकते हैं, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 0. इस तरीके से प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 91/200. ये क्या आ गया हमारी हेड की प्रोबेबिलिटी. अब हम टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, अब हम टेल की प्रोबेबिलिटी क्या, इसको और शॉर्टर फॉर्म में कर सकते हैं, 0.455. ये क्या आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालेंगे. ये हमारा बेसिक्स है स्टूडेंट, ओके. ये हम बेसिक प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं. प्रोबेबिलिटी अभी बहुत आगे तक है और भी है, बट अभी मैं आपको बेसिक्स बताती हूँ प्रोबेबिलिटी में करना क्या होता है और कैसे सॉल्व किया जाता है, ओके. अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी टी, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इतने टाइम्स आ रहा है तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा. कभी भी आप, सबसे पहली बात, जब भी आप प्रोबेबिलिटी लिखेंगे फॉर्मूला ज़रूर डालिए. इससे क्या होगा, आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे, सब कुछ अच्छे से होगा, ठीक है. आप फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा बार बार. जब आपका सपोज आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आपको क्विक कैलकुलेशन करनी है तो आपको फटाफट आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके. बट ये 9th 10th और 8th क्लास इन सब के स्टूडेंट्स के लिए है कि आप ये ज़रूर लिख लिख के प्रैक्टिस करिए ताकि आपको लर्न हो जाए. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 545 अपॉन 1000. कितना होगा 1000, ओके. इस तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.545. आई होप इट इज़ क्लियर, ओके. ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी. अगर हमसे पूछा गया कि दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओके, दोनों की प्रोबेबिलिटी, तो क्या करेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे, ओके. दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे तो ये हमारे हो जाएंगे पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे इस तरीके से, ओके. अब मैं आगे इसका बताती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करूँगी, ओके. तो जिसको भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है. थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, एंड कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई भी क्वेश्चन पे आप कोई वीडियो बनानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं. थैंक यू.